गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम आपको बताएंगे कि बसोली पेंटिंग में हम जो ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में जो हम स्केच वर्क करते हैं पेंसिल के साथ साथ डायरेक्ट ब्रश के साथ भी करते हैं। सारी की सारी स्केचिंग ब्रश के साथ ही होती है बसोली पेंटिंग में, और स्केचिंग के लिए जो हम कलर यूज़ करते हैं वो हैंडमेड कलर होता है, ब्लैक कलर। वो ब्लैक कलर हम घर में कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसमें यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास एक पतीली होनी चाहिए साफ, ठीक है। और क्योंकि हमें जो, और दूसरा आपको एक दिया बनाना आना चाहिए, देसी दिया जो पुराने ज़माने में हम बनाते थे। तो जैसे इसमें मिट्टी का तेल है, इसमें केरोसिन ऑयल है, और आप इसके ढक्कन को सुराख करके ऐसे एक देसी दिया बना सकते हैं, ठीक है। दिया बना के जैसे मैंने जहाँ रखा है, क्योंकि जहाँ पर भी आपने रखना है उसके नीचे एक साफ कोई अखबार आप डाल सकते हैं, कोई पेपर, ताकि इसका कार्बन जो भी नीचे गिरेगा तो वो नीचे वो कार्बन ख़राब ना हो, समझिए। दिया नीचे रख के इसके दोनों साइड हम कोई दो दो ईंटें भी रख सकते हैं, दो दो ईंटें लगा के, जैसे मैंने जो ईंट पेपर के साथ रैप कर रखी है, तो दो ईंटें हम इसको ऐसे रखेंगे। देखो जितने आपके दिए की हाइट होगी उसी अनुसार आप ये ईंटें रख सकते हैं। अगर दिए की जो बोतल ऊंची है तो आप थोड़ी एक एक ईंट और रख सकते हैं, क्योंकि ये दिया उतना ही ऊंचा है तो उसको हम ऐसे रख रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम सेंटर में इस पतीली को रख सकते हैं, ये देखो ऐसे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पतीली उतनी ऊंची होनी चाहिए ताकि दिए का जो कार्बन है वो सिर्फ कार्बन ही इसके साथ टच करे, डायरेक्ट उसका फ्लेम जो है वो फ्लेम टच ना करेगा। अगर फ्लेम टच करता रहेगा तो कार्बन जमा नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो ये कार्बन, ये दिया जो है, दिए का फ्लेम इतना ऊंचा है, और उसके बाद इससे ऊपर आएगा उसका धुएँ की जो दीप शिखा बनती है, तो धुआं टच होना चाहिए इसके साथ। तो इट मीन्स ये अभी नीचा है थोड़ा, दिया ऊंचा है, हम इसको थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दो कुछ थोड़ा सा इतना ऊंचा होना चाहिए, तो हम कोई चीज़ दोनों साइड हम रख सकते हैं। देखो बेटा, पहले ये थोड़ा बराबर हाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने इंटों को थोड़ा ऊंचा कर दिया है, दूसरी साइड से खड़ा कर दिया इनको। अभी हम इसका दिए को जला सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ क्लास में ही कर रहा हूँ, आपको कमरे के अंदर भी ये जलाना है, सारे कमरे को कार्बन से सारा कमरा काला हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं बाहर ब्रांडे में आप इसका ये दिया बाहर जला सकते हैं, तो कम से कम ये दिया जो है वो कैरोसिन ऑयल से ये भरा हुआ होगा। भरने के बाद जब ये सारा जल जाएगा कैरोसिन ऑयल, कम से कम एक घंटा लग सकता है,
तो एक घंटे के बाद आप देखेंगे कि इस पतीले के अंदर सारा कार्बन इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है। सारा कार्बन जब इकट्ठा हो जाएगा फिर उसको कैसे उतारना है, दिए को आप हटा सकते हैं और पतीले को हटा के जब थोड़ा ठंडी हो जाए फिर उसको कैसे हाथ से निकालना है, कार्बन का चम्मच से निकालना है या कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जब ये कार्बन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस कार्बन को हम कैसे मिक्स करते हैं, शेल में कैसे डालते हैं, उसमें कौन सी चीज़ मिक्स करते हैं वो मैं आपको उसके बाद आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा अभी ये काफ़ी सारा कार्बन इसमें इकट्ठा हो गया होगा, अभी आप उसको ये पतीली गर्म हो गई, ये देखिए सारा कार्बन इसमें इकट्ठा हो गया है। अभी इस कार्बन को निकालना कैसे है ये इनके हम हटा सकते हैं, आप इसको चम्मच के साथ नहीं निकालना है और ना ही किसी और किसी चीज़ के साथ, आप किसी ये देखिए ये पेपर जो है ड्राइंग शीट का पेपर है, ये पेपर को आप ऐसे करके इसी से हम निकाल सकते हैं, लगभग साइडों में जितना भी लगा हुआ है ये भी हम इससे इसे कर देंगे। ऐसे करने से ये बड़ी जल्दी निकल जाता है, ये देखो कितना कार्बन इकट्ठा हो गया, ऐसे देखिए साइडों में भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और सेंटर में ऊपर से ऐसे शिवलिंग की तरह नीचे को ये कार्बन इकट्ठा हो जाता है। अब इसको आप किसी पेपर में निकाल सकते हैं, जैसे ये पेपर नीचे हमने बिछाया हुआ है, काफ़ी हल्का होता है ये, इसलिए फैन नहीं लगा होना चाहिए, ऊपर हवा भी नहीं होनी चाहिए, हवा में नहीं जेट निकालना है तो ठंडा हो गया। देखिए ये कितना कार्बन इकट्ठा हो गया है, आप एक घंटा बाद करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आप पूरे पेपर को ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको ये ईंटों को रैप क्यों किया हुआ था, क्योंकि ईंटों का कुछ भी कचरा रेत वगैरह जो इस पेपर पर हो सकता है और वो रेत सारा इस कार्बन में आ जाएगा, इसलिए सफाई के साथ इसको इकट्ठा करना है। तो ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, फिर काफ़ी हल्का होता है, तो शीशी में डालने के लिए इसको थोड़ा प्रेस कर लेना है, अब इसको हम इस शीशी में डाल सकते हैं।
से लेना होगा। ये देखो सारा, अब इसको आप ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, बिल्कुल इकट्ठा करके, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को खराब कर सकता है। तो आप इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक सकते हैं, डस्टबिन में। अब जैसे ये कार्बन हमारे पास इकट्ठा हो गया, इसको कलर के रूप में यूज़ करने के योग्य कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। बेटा उधर से शेयर करो। देखो बेटा, अभी ये आपके सामने ये कार्बन तैयार हो गया, ठीक है। ये एक प्रकार से ब्लैक कलर का पाउडर तैयार हो गया। अब इसको ऐसे ही पाउडर शेप में ही डायरेक्ट पानी इसमें डाल दें, सपोज आप इस पाउडर को शेल में डाल के पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे तो ये ठीक से बनेगा नहीं। इसको यूज़ करने के योग्य बनाने के लिए इसमें इसका जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो गम होती है। तीन प्रकार की गम होती है, एक तो नेचुरल गम होती है, नेचुरल गम होती है जो पेड़ों की गम होती है, जैसे जैसे कीकर के पेड़ होते हैं, तो कीकर के पेड़ की जो गम होती है उसको हम कीकर गम बोलते हैं। वो खाने के भी काम आती है, आप कभी आपने देखा होगा डिलीवरी के समय जो सुंड बनती है ना उसमें डाली जाती है, उसमें उसको फ्राई करके डाला जाता है, सुंड में डलती है, खाने के काम भी आती है। ऐसे क्रिस्टल टाइप होते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा, लाकर दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसको कैसे बनाना होता है, कैसे फिर बना के कलर कैसे मिक्स करने हैं, ठीक है। वो कल आपको बताऊंगा मैं, आज हम इतने रखते हैं कि भाई ये कलर बनाना कैसे है, कलर मिक्स कैसे करना है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।